नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेले के आता रहता है इसकी बहुत सारी अपडेट, चाहे वह जर्मनी के बारे में हो, चाहे लैंग्वेजेस के बारे में हो, स्पाउस वीज़ा के बारे में हो, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हो, चाहे अदर किसी कंट्री के बारे में हो। आज का जो हमारा मेन अपडेट है वो है जर्मनी बैचलर के लिए। जो बच्चे जर्मनी में बैचलर करने जाना चाहते हैं, फ्री स्टडी हो, चाहे बैचलर के लिए, चाहे स्टडी प्रोग्राम के लिए, उन सब के लिए मैं आज में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नॉर्थ इंडिया से नहीं है, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उनके लिए अभी दिक्कत है जर्मनी में। अगर इस लोकेशन के बच्चे वहाँ पर जर्मनी जाना चाहते, थोड़ा भी उन्हें वेट करना पड़ेगा। तो अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वेस्ट बंगाल से हैं, या फिर साउथ इंडिया से हैं, या कर्नाटका से हैं, या फिर गुजरात से हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, एडमिशन वहाँ पर ओपन हो चुकी हैं, विद आईलेट्स और विदाउट आईलेट्स दोनों तरह से आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज वो आपके 60 से ऊपर होनी चाहिए तभी आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं फ्री स्टडी के लिए। अगर आपके परसेंटेज वहाँ पर कम हो जाती है तो वहाँ पे पेड एजुकेशन में जाएंगे। अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट में से शेयर कर सकते हैं, मैं उसमें आपको बता सकता हूँ आप फ्री स्टडी के लिए जाएंगे या पेड एजुकेशन के लिए जाएंगे। तो वहाँ पे जो ओवरऑल जो खर्चा है फ्री स्टडी के लिए, वहाँ पे कोई खर्चा नहीं आता। अगर आप 13 क्लासेस कंप्लीटेड हैं और 6 बैंड है या 6.5 बैंड है तो वहाँ पे आप फ्री स्टडी के लिए बिल्कुल जाएंगे। अगर आप 12th पास है तो आपको स्कूलिंग प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो फीस है 2-2.5 लाख रुपये आपको लैंग्वेज प्रोग्राम की देनी पड़ेगी। लैंग्वेज सीखने के बाद आपको जो 3 साल की जो बैचलर मिलती है वो आपको बिल्कुल वहाँ पर फ्री मिलती है। अब बात कर ले तो उन बच्चों के लिए जिनके पास 13 क्लासेस 6 बैंड या 6.5 बैंड नहीं है, या फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज में क्वालीफाई नहीं कर सकते, उनके लिए पेड एजुकेशन है वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपना अप्लाई कर सकते हैं, बट दिक्कत ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। 10 से 11 लाख रुपये साल की फीस होती है। वहाँ पर जब एडमिशन आपका हो जाता है तो वीज़ा लेने के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होता है, जो कि 10,400 यूरो के लगभग इसकी अमाउंट होती है। सबसे पहले आपको एडमिशन लेना होता है, कुछ फीस ट्रांसफ़र करनी होती है, उसके बाद आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होता है। ब्लॉक अकाउंट खुलने के बाद वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी होती है जर्मन एम्बेसी के लिए, चाहे आप गुजरात से हों, बॉम्बे से हों, कर्नाटका से हों, बेंगलोर से हों, या फिर कोलकाता से, उस लोकेशन की आप अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे आप फाइल जमा करा सकते हैं। जैसे एम्बेसी में आपकी फाइल जमा हो जाती है, 15 से लेकर 45 दिन के अंदर आपका वीज़ा ग्रांट का अप्रूवल आ जाता है। आपकी जो मेल जो पर्सनल होती है उस पर आपका मेल आता है। अगर आप खुद ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको एडमिशन में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो नीचे कॉन्टैक्ट बस मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से सारा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो भी आप मेरी सहायता ले सकते हैं। इसमें मैं आपको A to Z सारी सर्विस दूंगा मैं आपको। अगर आपको और भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, या अपॉइंटमेंट में दिक्कत आ रही है, या फीस ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही है, या फिर एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है, तो भी आप मेरी सहायता ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही अपडेट आपके पास आती रहे जर्मनी के, चाहे किसी प्रकार की हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।